अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। VKSU के ऐसे स्टूडेंट जो 17-2018-21 के हैं, BA BSc BCom पार्ट टू असाइनमेंट परीक्षा का वेट कर रहे हैं, उनका फिर से अब नया डेट को जारी कर दिया गया है। पहले ये डेट आपका था 1 जून से 15 जून के भीतर आपका कभी भी परीक्षा लिया जा सकता था, लेकिन अब क्या नया डेट है चलिए जानते हैं विस्तार से। PG सेमेस्टर 2/3 और BA परीक्षा का डेट भी जारी कर दिया गया है, मतलब अनुमानित तिथि है कि इस तारीख तक हम परीक्षा ले लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम में एक ऐप होता है, इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर सर्च कीजिए VKSU ऑफिशियल, लगभग 20,000 प्लस स्टूडेंट मिलेंगे, वहाँ पर जुड़ जाइए। एक एक कॉलेज और सूचना वहाँ डाला जाता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का। एक आपको डिस्कशन के लिए, मतलब स्टूडेंट एक दूसरे को मैसेज करके हेल्प करेंगे, आगे चल के आपका एग्जाम आने वाला है पार्ट टू का असाइनमेंट आधारित, तो उसके लिए आप मैसेज एक दूसरे को कर सकते हैं। वहाँ पे मैसेज को छात्र हित में खोल दिया गया है। तो दूसरा ग्रुप आपका है VKSU वाला स्टूडेंट हेल्प, वहाँ पर 7200 प्लस स्टूडेंट मिलेंगे, वहाँ पर जुड़ जाइए। तो चलिए, पार्ट टू का एडमिट कार्ड कब तक आएगा? देखिए स्टूडेंट वीडियो देखते नहीं है, पहले वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया था कि एडमिट कार्ड को निरस्त कर दिया गया है, फिर से जारी होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पूछते हैं कॉल करके कि सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं दिखा रहा है। तो कब तक आपका एडमिट कार्ड आएगा? देखिए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर एक 18-21 के परीक्षार्थी के पास वीडियो पहुंचे, क्योंकि छात्रों में कंफ्यूजन होने लगा है। और कब तक आपका सभी लंबित परीक्षा को VKSU लेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंडिंग परीक्षाएं 15 के बाद होने के आसार, पूरा पेपर आर्टिकल को आपको शॉर्ट वे में बता देते हैं। देखिए एडमिट कार्ड आएगा तो आपको अपना वेबसाइट याद रखना है, आपको stresult.com पर सबसे पहले देखने को मिलेगा। इस बार भी आपको सबसे पहले stresult.com ही और एनी टाइम पढ़ाई मंत्र आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था, तो आप लोग stresult.com की मदद से अपना एडमिट कार्ड को सबसे पहले देख सकते हैं। अब देखिए जो छात्र फॉर्म नहीं भरे हैं 1 जून तक भर दीजिए, stresult.com पर लिंक दिया गया है। और सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म का स्टेटस जरूर चेक करें। अब देखिए यहाँ पर एक बात है कि आपका पेंडिंग जो एक परीक्षाएँ हैं, मतलब टू का एग्जाम है, PG सेमेस्टर 2/3 BA का, कब तक होगा? तो पहले ये देखिए आपका जून में होने वाला था, 1 से 15 जून तक ये लोग संचालित करते हैं, लेकिन देख सकते हैं पेंडिंग परीक्षा है, 15 के बाद ही अब होने का आसार है। पूरा शॉर्ट वे में आपको पेपर आर्टिकल समझा देते हैं। राजभवन और सरकार के निर्देश के बाद होगी परीक्षाएं, विश्वविद्यालय को सरकार की गाइडलाइन का इंतजार। देख सकते हैं बिहार में लॉकडाउन बढ़ने की उम्मीद है, इस कारण कॉलेज और यूनिवर्सिटी फिलहाल विद्यार्थियों के लिए बंद ही रहेंगे। ऐसे में विश्वविद्यालय सरकार की गाइडलाइन का इंतजार कर रहा है। बता दें कि जून की गर्मी छुट्टी मई माह में शिफ्ट किए जाने के बाद राजभवन ने 1 से 15 जून तक लंबित परीक्षाएं आयोजित किए जाने का सुझाव दिया था। इधर कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद राजभवन और सरकार से मिली गाइडलाइन के बाद ही विश्वविद्यालय लंबित परीक्षाओं का आयोजन करेगा। संभावना जताई जा रही है कि विश्वविद्यालय में लंबित परीक्षाएं 15 जून के बाद आयोजित होगा। इसी माह में PhD प्रवेश परीक्षा के लिए भी आपका यहाँ पर संचालन किया जाएगा। तो देख सकते हैं 15 जून के बाद ही आपका असाइनमेंट आधारित परीक्षा लेगा VKSU वाला। और देखिए कब तक आपका लेगा, तो यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालय असाइनमेंट के आधार पर जल्द लेगा पार्ट टू का परीक्षा, और लगभग आपको लास्ट जून तक वेबसाइट पर आपको असाइनमेंट का प्रश्न को अपलोड किया जाएगा। उसके बाद आपको एक प्रश्न को देख सकते हैं यहाँ पर 2500 से 3000 शब्दों में घर से ही आपको उत्तर तैयार करना होगा और विभाग में जाकर जमा करना होगा। स्थिति समान होने पर ही आपको विभाग में जाकर जमा करना है। लास्ट जून कब? लास्ट जून तक चांस से या मिड जून के बाद से कि असाइनमेंट का प्रश्न पत्र VKSU वेबसाइट पर, अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर डालेगा। उसके बाद आप लोग stresult.com stresult.com से डाउनलोड कर सकते हैं। stresult.com पर अभी भी आप जाइएगा तो वहाँ पर एक असाइनमेंट डाउनलोड का सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट का डाला हुआ है, बगल में लिखा है कमिंग सून। जैसे ही आएगा लिंक को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, आप परेशान ना होइए, आपकी सेवा में stresult.com और एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा लगा है। अब देखिए
पार्ट टू का बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि सर एडमिट कार्ड आ गया है लेकिन मेरा नहीं दिखा रहा है। एनी टाइम पढ़ाई मंत्र आपको पहले ही वीडियो प्रोवाइड करा के बता दिया था कि एडमिट कार्ड जो जारी किया गया है बहुत उसमें त्रुटि था और उसको विश्वविद्यालय में कैंसिल कर दिया, अब फिर से जारी करेगा। फिर भी छात्र पूछते हैं तो देखिए आपका 5 जून कब, 5 जून या उसके बाद ही एडमिट कार्ड जारी करेगा तो आपको stresult.com पर लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। विश्वविद्यालय का जो भी अपडेट रहता है चाहे एडमिट कार्ड का, पार्ट वन एग्जामिनेशन का, पल पल का अपडेट आपको stresult.com पर मिलेगा। जैसे देखिए अभी ये सब जो सूचना अभी नया नया आया हुआ है ये सब सूचना आपको stresult.com पर डाला गया है, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। अब देखिए 15 जून के बाद ही आपका जो भी लंबित परीक्षा है, पीजी का सेमेस्टर आपका 2/3 हो गया, बीएड हो गया, पार्ट टू हो गया, सारा परीक्षा आपका 15 जून के बाद अब होगा। पहले ये परीक्षा 1 से 15 जून के बीच कंडक्ट कराना था लेकिन देख सकते हैं राज्य में लॉकडाउन बढ़ने के आसार हैं। आगे लिखता है देख सकते हैं वाह रे भिकेशु, एक ही छात्र का स्नातक परीक्षा में 2 क्रमांक, एक स्टूडेंट है और उसका जो रोल नंबर है वैसा रोल नंबर, एक ही छात्र का 2 रोल नंबर दे दिया गया है। VKSU का जो कारनामा है उसके चलते रिजल्ट नदारद कर दिया जाता है अंतिम ईयर का, छात्र चक्कर लगाते रहते हैं और परेशान होते हैं। लेकिन क्या कहा जा सकता है, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि VKSU के आला अधिकारियों के पास वीडियो पहुंचे। बताइए आप ऐसा ऐसा गलती कर रहे हैं, एक स्टूडेंट का 2 क्रमांक दे दे रहे हैं, रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं, पेंडिंग रिजल्ट का लोग आवेदन करके बैठे हुए हैं, आप बोलते हैं कि 9000 रिजल्ट जारी कर दिया, मेरे पास डेली इतना कॉल आ जा रहा है कि सर मेरा अभी तक सुधार नहीं हुआ है। हालांकि हम मानते हैं कि कुछ छात्रों का सुधार हो रहा है लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्रों का सुधार नहीं हुआ है। तो एनी टाइम पढ़ाई मंत्र रिक्वेस्ट करता है कि सर ऐसे छात्रों का रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी कीजिए क्योंकि बीएड का भी लास्ट डेट 5 जून है, छात्र परेशान रहते हैं, बार बार कॉल करते हैं। पार्ट वन का देखिए रिजल्ट आप लोग बार बार बोल रहे हैं, पार्ट वन रिजल्ट भी आपको जून लास्ट में देखने को मिलेगा, तो वीडियो प्रोवाइड कराएगा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। पीजी एडमिशन जो आपका लास्ट जून में अधिसूचना आने वाला था उसका अधिसूचना 1 सप्ताह में आएगा, यूजी एडमिशन का पीजी एडमिशन के बाद ही कोई सूचना जारी करेगा VKSU द्वारा। आई होप जो भी डाउट था आपका वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिए होंगे। जो लोग एग्जामिनेशन फॉर्म स्टेटस चेक नहीं किए एग्जामिनेशन फॉर्म स्टेटस चेक कर लीजिए, अगर आपका नहीं चेक हो रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, वेबसाइट में थोड़ा सा इशू है। ऐसे बहुत सारे छात्रों का चेक हो रहा है और जिनका फोटो और सिग्नेचर मांग रहा है उनको फोटो और सिग्नेचर डालना अति आवश्यक है, नहीं तो एडमिट कार्ड पर आपका फोटो और सिग्नेचर नहीं रहेगा। तो ये सब बातों का ध्यान रखिएगा। और देखिए VKSU में BSc, BA और BCom में कितना नंबर लाने पर पास हुआ जाता है, कितना नंबर आने पर प्रमोट किया जाता है, कितना नंबर लाने पर फेल किया जाता है, पूरा नियम को जारी किया गया है। ये पूरा नियम देख सकते हैं, अलग से इतना इतना नंबर लाना चाहिए आपको VKSU में, चाहे पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थर्ड का। तो ये नियम आप कहाँ से देखिएगा, तो चलिए आपको स्टेप बाई स्टेप बताते हैं। गूगल पर लिखना है stresult.com, 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 और यहाँ से आपको stresult.com एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट को खोल लेना है। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो देख सकते हैं हम लोग stresult.com पर आ गए हैं। VKSU का जो भी अपडेट रहेगा, नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर कैटेगरी जो दिखाई दे रहा है, कैटेगरी के नीचे आपको दिखाई देता है यूनिवर्सिटी अपडेट, यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे जो भी अपडेट रहता है सबसे ऊपर में ही दिखाई देता है। देखिए यहाँ से आप VKSU का जो ग्रेजुएशन का पासिंग मार्क्स है और VKSU स्नातक में पास प्रमोट का पूरा नियम है उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर से आप पार्ट टू का एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं 5 जून के बाद आएगा तो। और देखिए यहाँ से आप असाइनमेंट, जो असाइनमेंट का प्रश्न डाउनलोड करना है यहाँ पर आपको डाला जाएगा। तो पल पल का अपडेट आपको stresult.com पर डाला गया है, लिंक एक्टिव होते ही यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप पार्ट टू एडमिट कार्ड पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर 2-3 लिंक दिया गया है, ऐड को क्लोज करके नीचे आइएगा तो देखिए एडमिट कार्ड को चेक करने का लिंक आपका दिया ही गया है। इसके साथ ही देख सकते हैं इसके साथ ही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का करेक्शन है, अगर करवाना चाहते हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं यहाँ से क्लिक हियर पर करके। आप एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरें तो यहाँ से भर सकते हैं क्लिक हियर पर करके। और देखिए एग्जाम फॉर्म का स्टेटस जो छात्र नहीं चेक किए यहां से जरूर चेक कीजिएगा। सभी छात्रों को एग्जामिनेशन फॉर्म का अपना स्टेटस चेक करना अति आवश्यक है क्योंकि उसमें जो भी आपका नहीं रहेगा उसको अपलोड करने का भी VKSU मौका दिया है। जैसे आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं नहीं है तो, अगर नहीं कीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड में नहीं रहेगा, इसलिए इसे अति आवश्यक समझा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।